ये पूरा भरा होता है जब इसमें पानी होता है नदी में। अब की बार नदी तो पूरी उसी बार है। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अभी 10:30 बज रहे हैं, तो सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट करते हैं। काफी धूप है यार। कोर्ट जा रहा है किसके साथ? मैं नहीं ले जाऊंगा। हाँ मैं नहीं ले जाऊंगा। नाश्ता किया जाए। आओ सर खाएगा। आ जल्दी आ। 11 बज रहा है एंड अब चला जाए, थोड़ा ट्यूबवेल की तरफ चलना है। धूप तो ज्यादा ही तेज है इस टाइम पर। पहले तो देखा जाए कोई है तो नहीं खेत के अंदर, कोई काटने वाला कोई भी नहीं दिख रहा। उधर देखा जाए सो एक तो कोई आ रहा है इधर नहीं, लेकिन काटने के लिए नहीं आ रहा, कहीं और जा रहा है। खेत को देखा जाए कितना बड़ा चरी है, तो दिखने तो लगी है हरा हरा खेत दिखने लगा। इनफैक्ट थोड़ा तो पास चल करके और देखते हैं। अरे यार ट्रैक्टर ने तो पूरा खराबी कर दिया, ये सब बढ़ तो रही है। चले वापस, यहाँ पर सुकून से बैठा जाए। एक्चुअली गांव में और कहीं तो टाइम कटता ही नहीं, तो हम यहाँ सुकून से बैठते हैं थोड़ी देर फिर चला जाए। आज अभी तक कोई ट्यूबवेल में नहीं था, हमका आज बिल्कुल ही सोना था, ट्यूबवेल कोई था ही नहीं आज। लाइट अभी आई है देर से। ये पानी कहाँ लगा हुआ है? शकरकंद में फिर लगा दिया क्या? शकरकंद हम यहीं पर पड़े हुए थे, हमने कहा कोई आज है नहीं, और लोग बड़े दिखाई दे रहे थे खेत वेत में। तीन चार घंटे में ये भी भरेगा, ये खेत भी लगभग। निकला जाए वरना यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इस जगह से पानी में पूरा पैर कीचड़ हो जाएगा। हो गया, सब यहाँ से निकला जाए। इनफैक्ट शाम हो चुकी है, ऑलमोस्ट 5:30 बज रहा है। चलते हैं सईदपुर घाट। एक्चुअली वहाँ पर रेत निकाली जाती है जमुना रिवर से। सब चले भाई। तो ये घाट का एरिया है। इनफैक्ट चलते हैं थोड़ा नदी के करीब। हर बार यहाँ से रेत निकाली जाती थी एंड अब की बार आई डोंट नो क्यों नहीं निकाली गई। पूरा रास्ता भी बना हुआ है। सो चलते हैं नीचे। रास्ता घाट वालों ने ही बनाया है जो यहाँ से रेत निकलवाते हैं। ये पूरा भरा होता है जब इसमें पानी होता है नदी में एंड अब की बार नदी तो पूरी उसी बार है। चला जाए नीचे, गाड़ी उतारी जाए और काफी अच्छा लगता है इस जगह पर। मैं जमुना में एकदम बीचों बीच में हूँ देखा जाए। एक्चुअली अब की इस साइड पर पानी नहीं है, सो आसानी से गाड़ी यहाँ तक आ गई। एक्चुअली अदरवाइज पूरा ये पूरा फुल रहता था पानी से। अभी और आगे चलते हैं, देखते हैं वहां पर क्या हो रहा है। ओके तो उस साइड का घाट चल रहा है। मैं जूम करता हूँ थोड़ा, ये गाड़ियां दिख रही होंगी। सो उस साइड का घाट चल रहा है, जेसीपी दिख रहा है, बुकलैंड सॉरी। इनफैक्ट यहाँ पर 3-4 घाट हैं आसपास में। सो मे बी यहाँ का अब की बार का बालू अच्छा ना हो, बिकॉज दिख नहीं रहा अच्छा।
काफी मट्टी आया है, तो इस वजह से आई थिंक यहाँ का नहीं चल रहा है। थोड़ा और चलते हैं जमुना के पास, फिर नदी में काफी गंदगी बहुत ज्यादा है, तो ये सामने बहुत ही ज्यादा गंदा है। चील कौवे सभी हैं, इनफैक्ट लोग मछली मारने वाले भी हैं यहाँ पर। और ये जो इसमें लोग खीरा ककड़ी और तरबूज ये सारी चीजें लगाए हुए हैं, इनफैक्ट हर साल ही लोग लगाते हैं जब भी सूख जाता है पानी इसका। सो ये कुत्ता किसी की आई थिंक लाश वाश खा रहा है कुछ ऐसा, और इसमें एक आध लाश तो जरूर पड़ी होगी। काफी गंदगी है इस जगह पर, तो ये फिशिंग के लिए जा रहे हैं ये लोग। ये साइड में इनकी बोट है, वहां पर भी इस तरह से कर देंगे बाउंड्री, एंड देन उसके बाद खीरा ककड़ी एंड तरबूज ये सारी चीजें बो देते हैं, और सब्जियां भी काफी कुछ। इसको मैं थोड़ा क्लोज दिखाता हूँ पास जाकर के। कोई कुत्ता उत्ता तो नहीं है एक्चुअली, अक्सर यहाँ पर लोग कुत्ते रखते हैं। सो इस तरह से ये सब्जी बोई हुई पूरे उसमें, ये खूबसूरत व्यू है, बहुत ही खूबसूरत। एंड मुझे बिलीव नहीं हो रहा एक्चुअली, मैं सही बताऊं तो मुझे बिलीव ये नहीं हो रहा क्योंकि मैं बिल्कुल बीच में खड़ा हूँ जमुना के। सो तरह से ये ढेर लगे हुए हैं इस साइड पर बालू के भी, ये निकालने के लिए आई थिंक रखे हैं इन्होंने। तो ये था कि यहाँ पर जगह नहीं होती थी निकलने के लिए, इतना ज्यादा ट्रक रहा करते थे यहाँ से, बालू जाया करती थी जो रास्ता बना हुआ है, एंड अब की बार तो कुछ भी नहीं है बिकॉज रेत का हाल बहुत बुरा है यहाँ पर। एंड उस एरिया की आई थिंक रेत काफी अच्छी होगी, इससे तो बेहतर होगी तभी वहां का घाट चल रहा है। सो अब चलते हैं यहाँ से, ऐसा लग रहा है जैसे रेगिस्तान में आ गया हूँ। सो अब चलते हैं, टाइम हो गया है एंड अब यहाँ से भी निकला जाए, अब तो सोच रहा हूँ घर ही की तरफ चलते हैं। तो मन था कि नहाता बट यहाँ का पानी देख करके मुझे वॉमिट टाइप आ रहा है कि लाइक वॉमिट ना हो जाए, कि बहुत ही गंदा पानी है। फैक्ट इसमें गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये पूरा रेत ही रेत है, बहुत स्लिप हो रहा है। सो फाइनली वापस अब चलते हैं। इतना कुछ कट चुका है ये बाढ़ के टाइम पर, पूरा पेड़ पूरा मट्टी कट गया है इसके नीचे का। आई थिंक नेक्स्ट टाइम ये सब डूब जाएगा, पूरा गिर जाएगा। कौन है आज? गुंडा। क्यों? मारेगा हाँ। किसको मारेगा? अरे नहीं यार, फिर तूने तुझे बोला आपको मारूंगा। नहीं गंदी बात ना, गुंडा नहीं मारता। नहीं नहीं मारता, गुंडा बहुत अच्छा होता है। अभी उसैद बहुत अच्छा है। मेरा उसैद उसैद रात रुक गई क्या? गुंडा रात रुक गई क्या? गुंडा है। कितनी गाड़ियां हैं? कितनी इतनी एक गाड़ी नहीं है। नहीं है, एक गाड़ी खत्म हो गई। और कैसे हा? कैसे खत्म हो गई? खराब हो गई। अच्छा तूने खाना खाया कि नहीं खाया अभी? हाँ अभी बना देंगे। अच्छा बना देगा हा? आज तो पूरा दिन ही बाहर निकल गया। इनफैक्ट आज गया हुआ था थोड़ा सा जमुना के तरफ जहाँ पर रेत निकाली जाती है उस जगह पर। सो काफी टाइम लग गया वहीं पर, इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ एंड 9:30 बज रहा है। सो अब चल करके डिनर करते हैं।